top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आपने देखा होगा मुंबई में नहीं खेली थी, ओपनिंग थी कुछ नहीं खेल पाई थी, जो फिट नहीं थी खिलाड़ी, फिटनेस फिट है या नहीं है ये जब उनको खुद लगा के फिट हैं, खेल सकती हैं, हमारी पीआई की तरफ से या डीआईजी की तरफ से या किसी की तरफ से उनके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की गई या किसी भी प्लेयर के ऊपर ये बात नहीं दबाव नहीं था कि उसका खेलना जरूरी है। इसलिए जहां पर मैं समझता हूँ तीन मैच नहीं खेली थी, मुंबई भी नहीं खेली थी, लखनऊ भी नहीं खेली थी, दो तीन दिन और भी खेल नहीं खेली थी, तो वो तो बिल्कुल बेस्टर से किसी ने उनको कहा नहीं था। वो जब उनको खुद लगा होगा कि मैं फिट हूं तब वो खेली, और कई बार होता है खेलते खेलते आदमी को प्रॉब्लम हो जाती है या खेलते खेलते लगने लगता है कि मैं उतना शायद नहीं खेल पा रही या उतना नहीं पा रही। किसी का कोई एक दिन होता है जिस दिन खिलाड़ी के साथ ऐसी समस्या आ सकती है, तो इसके लिए कोई किसी ने हमको दबाव नहीं डाला। उसके बावजूद ये सबसे सफल लीग हुई है। जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स और नेशनल प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है किसी लीग में नहीं किया, जहां तक मैं समझता हूं। मैं किसी लीग के बारे में और बात नहीं करना चाहता, और किसी सबने अच्छा अच्छा किया है, लेकिन पीबीएल बैडमिंटन लीग उन सबसे अच्छी हुई, सबका सबने अच्छा किया, हमने भी बहुत अच्छा किया, और मुझे लगता है कि पीबीएल बैडमिंटन लीग सबसे बेहतर हुई। इतने कम समय में और इतनी अच्छे ढंग से ये लीग हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्लेयर्स का समर्थन था, फैंस का समर्थन था, और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, मेरे हमारे फ्रेंचाइजी हों, स्पॉन्सर्स हों, सभी लोगों का इसमें बहुत समर्थन था। और पहली बार बैडमिंटन में ब्रांड एम्बेसडर जुड़े हैं सुपर स्टार अक्षय कुमार, और कल दे आर ऑल कमिंग फॉर द फाइनल मैच। अक्षय कुमार खुद आ रहे हैं एग्जीबिशन मैच करेंगे, उसके अलावा उनके साथ अभिषेक बच्चन और ऋतिक देशमुख भी आ रहे हैं, कुछ और फिल्म स्टार भी आ रहे हैं जो एग्जीबिशन मैच भी खेलेंगे टू प्रमोट द लीग, टू प्रमोट द बैडमिंटन।